Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar which will be asked in the annual examination is the 22nd chapter and its name is Comprehensive Passages. Right? So, this chapter again we are reading second time and this is the revision. Okay? And all of you read the concept of comprehensive passages so that you can solve in the examination very well. ओके सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्या होते हैं. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द थॉट ऑफ अ गिवन पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना द थॉट मतलब एक पैसेज दिया हुआ जैसे एक पैसेज है ये इसको हम पैसेज बोलेंगे. ठीक है अब इसमें क्या लिखा है उस पैसेज को उसके बारे में उस पैसेज को पढ़कर उसको अच्छे से समझना. द पैसेज इज गिवन यू टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. अब पैसेज ये क्यों दिया जाता है आपकी इंग्लिश की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एंड योर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और आपकी जैसे कोई भी पैसेज है तो उसको वो आपको एक अलग से पैसेज दिया जाता है एग्जाम में. अब उसमें आपको क्या करना होता है कि उसको पढ़ना होता है पढ़ने के बाद उसको समझना होता है. तो इससे आपका क्या पड़ता है कि आपकी लर्निंग स्किल आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी अच्छी है किसी भी पैसेज से पता लगता है. ठीक है उसके बाद ये पैसेज होता है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं. ठीक है सो फर्स्ट यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली. पैसेज हम एक पैसेज पढ़ेंगे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. वन इज डन फॉर यू. ठीक है एक यहाँ पर ये पैसेज आपके लिए सॉल्व किया हुआ है चलिए इसको पढ़ते हैं. वन डे प्रताप वॉज सिटिंग अलोन इन अ फॉरेस्ट. एक दिन प्रताप बैठा हुआ था जंगल में अकेला. जंगल में अकेला बैठा हुआ था. ही वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट. वो एक काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था. ओके ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग एज यू मे वेल इमेजिन अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज बिलव्ड मदरलैंड. ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग वो सोच रहा था एज यू मे वेल इमेजिन कि आप आराम से इमेजिन कर सकते हैं अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज बिलव्ड मदरलैंड. हमारी प्यारी मदरलैंड के फ्रीडम के बारे में स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे. ठीक है हिज लिटिल डॉटर वॉज प्लेइंग नियर हिम. उनकी छोटी बेटी उनके पास खेल रही थी. शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड बीन गिवन अ पीस ऑफ ब्रेड टू इट. वो हैप्पी थी बहुत खुश थी बिकॉज क्योंकि उसको दिया गया था एक ब्रेड का पीस दिया गया था खाने के लिए. दैट्स वाई शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज प्लेइंग विद हर ओन. ओके ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज्ड फ्रॉम समवेयर. तभी अचानक से क्या हुआ कि एक जंगली बिल्ली कहीं से वहां पर आ गई. ठीक है अब आप सब लोग ध्यान से पैसेज को समझिएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ है वो आप आराम से सॉल्व कर पाए. ठीक है अगर आपने पैसे समझ लिया सारे आंसर्स इसमें ही दिए हुए हैं. ठीक है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे आंसर्स इसमें ही दिए हुए रहते हैं. आपको इसी पैसेज में से ढूंढ के आंसर लिखना होता है. सो व्हाट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी टू लर्न द पैसेज वेरी वेल. ठीक है तभी क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज फ्रॉम समवेयर स्नैच्ड द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड एंड रैन अवे इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. स्नैच मीन्स छीन लिया. उसने पीस ऑफ ब्रेड गर्ल के हाथों से उस बिल्ली ने ब्रेड का पीस छीन लिया एंड रैन अवे मीन्स दूर भाग गई इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की डार्कनेस अंधेरे में फॉरेस्ट में भाग गई वो उसे ब्रेड का पीस लेके. ठीक है द गर्ल बिगैन टू वीप बिटरली. गर्ल ने शुरू किया बिगैन ने शुरू किया वीप मीन्स रोना बिटरली मतलब काफी जोर जोर से उसने रोना शुरू किया बिकॉज देयर वॉज नो मोर ब्रेड. क्योंकि और ब्रेड नहीं थी एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. ठीक है तो हमने ये छोटा सा पैसेज स्टूडेंट्स इसको पढ़ा. अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझना है कि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप एनुअल एग्जाम सिलेबस में ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो कि यहाँ पे सॉल्व ही करे हुए हैं. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज प्रताप थिंकिंग अबाउट. प्रताप किसके बारे में सोच रहा था. हमने अभी क्या पढ़ा था प्रताप वॉज थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ हिज बिलव्ड मदरलैंड. प्रताप अपनी बिलव्ड मदरलैंड की फ्रीडम के बारे में सोच रहा था स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा था. यही पढ़ा था ना अभी हमने पैसेज में. सेकेंड क्वेश्चन वाई वॉज द लिटिल गर्ल हैप्पी. लिटिल गर्ल खुश क्यों थी. बिकॉज द लिटिल गर्ल वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट. क्योंकि उसके पास में एक ब्रेड का एक पीस था खाने के लिए. दैट्स वाई शी वॉज वेरी हैप्पी. ओके वॉट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. अचानक से क्या हुआ. क्या हुआ था अचानक से. एक बिल्ली आई थी और उसने उसके हाथ से उसके ब्रेड का पीस छीन के और दूर भाग गई थी. ठीक है अब इसका आंसर आप पैसेज में से अगर ढूंढेंगे ना तो क्या हुआ था ऑल ऑफ अ सडन.
क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, तो आप लिखेंगे ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज्ड फ्रॉम समवेयर स्नैच्ड द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड एंड रैन अवे इनटू द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं या इसकी आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है ऑल ऑफ अ सडन अ वाइल्ड कैट एमर्ज्ड एंड स्नैच्ड द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द गर्ल्स हैंड, ये भी लिख सकते हैं, या आपको थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जो मैंने अभी बताया पैसेज में से आंसर पूरे पैसेज में ही दिए हुए हैं। ठीक है, आपको अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, पैसेज को अच्छे से समझना है और उसके बाद उसमें से आंसर ढूंढना है आपको उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाई डिड द लिटिल गर्ल वीप, लिटिल गर्ल क्यों रोई थी, बिकॉज द लिटिल गर्ल वेप्ट, ऐसे लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं द लिटिल गर्ल बिगन टू वीप बिकॉज देयर वॉज नो मोर ब्रेड एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं द लिटिल गर्ल वेप्ट, लिटिल गर्ल रोई बिकॉज देयर वॉज नो मोर ब्रेड एंड शी वॉज हंग्री। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है और अगर आप एग्जाम में तो आपको ये आंसर लिखे हुए नहीं मिलेंगे, जैसे ये बुक में लिखे हुए हैं, यहाँ पर एग्जाम में आपको आंसर लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ना ही पैसेज जो मैं आपको अभी एनुअल एग्जाम सिलेबस में सॉल्व करने को दिया उसमें लिखे हैं, आपको सिलेबस में सिर्फ ये पैसेज लिखा हुआ है एंड आफ्टर दैट सम क्वेश्चंस आर रिटन बिलो द पैसेज। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है और अगर कुछ भी मैंने ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक ऐसा कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ दिया है तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है जिसको हमको समझ कर उसको सॉल्व करना होता है। राइट, तो अच्छे से समझ कर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर सॉल्व करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।